गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर इन फोर्थ क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन नंबर चल रहा है अपना 8। लेसन नंबर 8, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ यानी स्वास्थ्य, वेल्थ यानी धन। हेल्थ इज वेल्थ यानी स्वास्थ्य ही धन है। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, यदि व्यक्ति का स्वास्थ्य खो जाता है, यदि व्यक्ति का शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, रोगयुक्त हो जाता है, यदि व्यक्ति के शरीर में रोग होने लग जाता है, एवरीथिंग इज लॉस्ट, तो वह प्रत्येक चीज को खो देता है। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, यदि व्यक्ति का स्वास्थ्य खो जाता है, एवरीथिंग इज लॉस्ट, तो प्रत्येक चीज खो जाती है। यानी यदि व्यक्ति के शरीर के अंदर रोग लग जाते हैं तो प्रत्येक चीज रोगग्रस्त हो जाती है। ए साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी। ए साउंड माइंड यानी एक ध्वनि मन लिव्स यानी रहता है इन ए साउंड बॉडी, एक ध्वनि शरीर के अंदर। एक ध्वनि शरीर में रहता है, यानी एक स्वच्छ मन एक स्वच्छ शरीर के अंदर निवास करता है। ए हेल्थी मैन एक स्वस्थ व्यक्ति इज ऑलवेज हैप्पी। यानी यदि व्यक्ति के शरीर में कोई रोग नहीं होगा, यदि व्यक्ति निरोग रहेगा, किसी प्रकार का रोग नहीं होगा, तो वह हमेशा प्रसन्न रहेगा। ए हेल्थी मैन इज ऑलवेज हैप्पी। एक स्वस्थ व्यक्ति या एक स्वस्थ मनुष्य हमेशा प्रसन्न होता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर में कोई रोग नहीं होता है, वह व्यक्ति हमेशा प्रसन्न होता है। हेल्थ ब्रिंग्स हैप्पीनेस। ब्रिंग्स का अर्थ होता है लाना, हैप्पीनेस यानी खुशियां। हेल्थ ब्रिंग्स हैप्पीनेस यानी स्वास्थ्य खुशियां लाता है। हमारा स्वास्थ्य खुशियां लाता है। यदि हमारा स्वास्थ्य स्वस्थ है, यदि हमारा स्वास्थ्य हमारा शरीर स्वस्थ है, तो वह खुशियां लेकर आता है। होमवर्क करोगे, आगे की मीनिंग लिखाते हैं। आगे की मीनिंग देखो, R I C H रिच। रिच यानी धनवान व्यक्ति। B U T बट यानी लेकिन। BUY यानी खरीदना। BUY यानी खरीदना। SOME सम यानी कुछ। LEARN लर्न यानी सीखना। STRONG स्ट्रोंग यानी मजबूत। BE यानी होना। CLOTHS क्लोथ्स यानी कपड़े। BODY बॉडी यानी शरीर। HOUSE हाउस यानी घर। आगे की 10 मिनट लिखाई है, 10 मिनट याद करके लानी है, फिर अगला पैराग्राफ पढ़ाएंगे। और ट्रांसलेट करनी है एक पैराग्राफ की।